हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहां पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 24 नोट डाउन कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है इफ 2 साइन एक्स इजिकल टू √3 इवेल्युएट। तो इसके यहाँ पर ये टू पार्ट दिए गए हैं, तो इन्हें वन बाई वन सोल्व करेंगे। देखिए पहले हम पार्ट वन सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो इस पार्ट वन को यहाँ पर पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमने पार्ट वन नीचे नोट डाउन कर लिया है, 4 sin³x - 3 sin x, तो इसे मैंने लिख लिया है। तो फ्रेंड क्या करेंगे, अगर हम साइन की वैल्यू पता कर लें और यहाँ पर पुट कर दें आकर के और इसे सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा पार्ट वन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए पहले हम लोग साइन एक्स की वैल्यू पता करेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 2 sin x = √3, तो इसे पहले नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ये मैंने लिख लिया है 2 sin x = √3। अब देखिए जो साइन लिखा है, साइन को तुम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। साइन एक्स को यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा है इसको मैंने साइन एक्स को एज इट इज ऐसे लिख लिया है, इक्वल भी लगा लिया है। देखिए ये जो टू है, टू को उठा करके हम लोग राइट साइड में √3 लिखा है इसके नीचे ले आएंगे, तो ये मैंने रख दिया करके इधर। तो इस प्रकार हमें यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू मिली है इक्वल में √3/2, ये साइन एक्स की वैल्यू है। अब इस साइन एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे आकर के, तो चलिए इक्वल लगाते हैं। देखिए 4 लिखा है, 4 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए sin³x है, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू रखेंगे और उसके ऊपर पावर लगा देंगे 3। तो फ्रेंड ये मैंने साइन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है √3/2, इसके ऊपर पावर लगा दिए 3, क्योंकि यहाँ पर sin³x है। आगे देखिए -3 है, तो -3 लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए साइन एक्स है, अब फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे साइन एक्स की, तो यहाँ पर चलिए इंटू में वैल्यू पुट कर देते हैं √3/2। तो चलिए फ्रेंड इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और ये जो 4 लिखा है 4 एजिटिज ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर √3/2 है, इसका हमें क्यूब करके लिखना है। तो हम लोग जानते हैं इसका क्यूब क्या होता है, √3/2 का तो क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 3√3/8। तो इसकी जगह पर हम लोग ये लिख देंगे 3√3/8, ये हमने इसका क्यूब करके लिख लिया है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर से माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, इस 3 और √3 की ईच अदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तब ये 3√3 हो जाएगा और अपान में जो 2 लिखा है वो एडिटिज आ जाएगा। चलिए इक्वल लगाते हैं यहाँ पर। देखिए ये 4 जो है इस 8 को 2 टाइम में कैंसिल आउट कर देगा, 4 × 2 = 8। तो फ्रेंड यहाँ पर अब बचा है 3√3/2 बचा है, तो इसे नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है, जो यहाँ पर बचा है 3√3/2। देखिए आगे माइनस है और तो मैंने माइनस लगा लिया, और जो ये है 3√3/2, इसे तो मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख लिया है। अब फ्रेंड इक्वल लगाएंगे, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर से ये प्लस का है 3√3/2 और ये माइनस का है 3√3/2, तो ये ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस प्रकार इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने इसका पार्ट वन सॉल्व कर लिया है, तो चलिए इसका पार्ट टू भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड इसे पहले आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज कर करके, तो आशा करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए फ्रेंड अब इसका पार्ट टू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पार्ट टू यहाँ पर हमें ये दिया है 3 cos x - 4 cos³x, ये दिया गया है। अगर हम कॉस की वैल्यू पता कर लें और यहाँ पर पुट कर दें आकर के और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इसका फाइनली आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले कॉस एक्स की वैल्यू पता करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये अभी मैंने यहाँ पर से ये साइन एक्स की वैल्यू निकाली इजिकल टू में √3/2, तो इसकी हेल्प से हम लोग कॉस एक्स की वैल्यू पता करेंगे। तो चलिए पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमने एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया है। तो देखिए जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये राइट एंगल है। तो देखिए साइन के साथ में एंगल है एक्स, तो यहाँ पर हम एंगल ले लेते हैं एक्स। तो फ्रेंड ये मैंने एंगल लिया है यहाँ पर एक्स, तो इसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और देखिए ये राइट एंगल है, इसके ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, जो नीचे वाली साइड ये बेस है। तो फ्रेंड अब क्या करेंगे, अब हम बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पहले पता करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अभी ये मैंने फाइंड किया
साइन एक्स इजिकल टू अंडर रूट 3/2, तो ये साइन एक्स की वैल्यू है। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग साइन के लिए लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये साइन के लिए होता है। अगर हम यहाँ से कंपेयर कराते हैं तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट 3 मिलती है, तो इस ट्रेंगल का जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो अंडर रूट 3 है। और अगर नीचे डिनोमिनेटर की कंपेयर कराते हैं तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से 2 मिलती है, तो इसका हाइपोटेनियस 2 है। अब फ्रेंड यहाँ पर हमें बेस नहीं पता है, तो बेस पता करना होगा, तो चलिए बेस पता कर लेते हैं। बेस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है, बेस इजिकल टू अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस 2 है और परपेंडिकुलर अंडर रूट 3 है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे आकर के। तो फ्रेंड मैंने हाइपोटेनियस की जगह पे 2 और परपेंडिकुलर की जगह पर अंडर रूट 3 पुट कर दिया है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये 2 इस अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो चलिए आगे और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो बेस इजिकल टू अंडर रूट के अंदर यहाँ पर ये जो लिखा है 2 की पावर 2, इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे यहाँ पर से, तो ये 4 आ जाएगा। माइनस लगा दिया है मैंने यहाँ पर से, ये तो कट गया है 2 और अंडर रूट, अब यहाँ पर बचा है ओनली 3, तो मैंने माइनस करके 3 लिख लिया है। अब देखिए अंडर रूट में 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर बेस मैंने फाइंड कर लिया है, तो बेस इसका 1 मिला है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1। तो फ्रेंड इसे आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर करके नोट डाउन कर लीजिए। हमें बेस की वैल्यू चाहिए थी तो ये मैंने फाइंड कर लिया है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ अब। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग कॉस एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस एक्स इजिकल टू, कॉस के लिए हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इक्वल लगाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर बेस जो है ये 1 है, तो ऊपर 1 रख देंगे और नीचे देखिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसका 2 है, तो नीचे हाइपोटेनियस रख देंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 फाइंड कर ली है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग पार्ट टू सॉल्व करते हैं, यहाँ पर से इसमें वैल्यू रखते हैं आकर के। तो फ्रेंड इस ट्रेंगल को अब हम हटा देते हैं यहाँ से। तो चलिए ये मैंने पार्ट इसका 2 वाला नीचे नोट डाउन कर लिया है, इक्वल लगाते हैं। देखिए 3 HT जैसे ही लिख लेंगे, कॉस की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू अभी फाइंड की है 1/2, तो यहाँ पर पुट करेंगे इंटू लगा करके 1/2। -4 आगे है तो मैंने -4 लिख दिया है। देखिए कॉस की पावर 3 x ये लिखा है, तो कॉस की वैल्यू रखेंगे और उसकी पावर 3 कर देंगे, तो कॉस की वैल्यू देखिए 1/2 है ये मैंने, और इसके ऊपर इसकी पावर 3 है, तो मैंने 1/2 के ऊपर 3 इसकी पावर लगा दी है। तो चलिए अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो फ्रेंड इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, देखिए 3 * 3 हो जाएगा और अपान में 2, तो इस प्रकार यहाँ पर ये 3/2 आ जाएगा। माइनस इसे लगाएंगे यहाँ पर और 4 HT लिख लेंगे, -4 ही मैंने लिख लिया है। अब देखिए 1/3 1/2 का, जब हम लोग 1/2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा 1/8, तो ये अब क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर 1/2 HT जैसे ही लिख लेंगे, माइनस भी लगाएंगे। अब देखिए 4 * 4 4 * 2 * 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर हमें 1/2 मिला है, तो इसे हम लोग एजीटी जैसे ही लिख लेंगे। फ्रेंड यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, देखिए इन दोनों टर्म के जो डिनोमिनेटर हैं 2 है, तो 2 को नीचे एक बार लिख लेंगे और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए ये 2 * 2 ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से फ्रेंड इसका फाइनली आंसर जो मिला है 1 मिला है। तो फ्रेंड हमने पार्ट 2 भी इसका कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। पार्ट 2 में हमें 3 cos x - 4 cos की पावर 3 x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मैंने फाइंड कर लिए जो कि 1 इसका आंसर आया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की भी प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।